यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी आज मुझे बहुत शर्म आ रही है यहाँ पे खड़े होने में कि मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर इतने एस्टीम्ड लोग आ जाए लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर उसका प्रोग्राम नहीं हो सकता। इसीलिए एज ए स्टूडेंट भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि हमारी इस यूनिवर्सिटी में आज ये हालत हो चुकी है। और मुझे वो दिन भी याद है जो पिछले साल इसी कैंपस के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी जी आए थे और आरएसएस का यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें भगवा झंडे लेकर एबीपी के लोग कैंपस के अंदर गुंडागर्दी कर रहे थे, हमको वो दिन याद है। लेकिन हम लोगों ने उस प्रोग्राम में जाके कोई पत्थर नहीं बरसाए, हम लोगों ने उस प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करवाया, हमने बोला कि यूनिवर्सिटी का मतलब यही है कि आप लोग आइए और अपना भी एक डायलॉग रखिए, अपनी भी बात रखिए, हम अपनी बातचीत से आपकी उस बातचीत को काउंटर करेंगे। ये हमारा यूनिवर्सिटी का एक सपना है, यूनिवर्सिटी का ये आइडिया है। ये कैंपस ही है जो मिरर है आउटसाइड सोसाइटी का और इस कैंपस से ही ये तय होगा कि स्टूडेंट कैसा बनेगा। क्या वो स्टूडेंट इनकी तरह एक प्रोपोगंडा मटेरियल को प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूम करेगा, क्या वो स्टूडेंट इनकी तरह कम्युनल होगा, फासिस्ट होगा, क्या वो स्टूडेंट एक सेकुलर प्रोग्रेसिव सोच को आगे लेके जाएगा, यही यूनिवर्सिटी तय करता है। और आज जब एनएसयूआई यहाँ पर एक मैगजीन को लॉन्च कर रहा है, टीसू के अंदर से एक मैगजीन लॉन्च हो रहा है, ये तो हर एक स्टूडेंट के लिए एक सेलिब्रेशन का मौका है कि हमारे कैंपस में आइडियाज के ऊपर आखिरकार बातचीत हो रहा है, डिबेट हो रहा है। आप लिखिए, आप क्या बोलना चाहते हैं आप बोलिए। ये सबको मालूम था कि एक प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, उस प्रोग्राम को 11th आर पे कैंसिल किया गया और बिजार आर्गुमेंट्स उसके पक्ष में दिए जा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो किसके प्रेशर के अंदर इन्होंने कैंसिल किया है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि हम इस कैंपस को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, इनका आरएसएस का शाखा बिल्कुल बनने नहीं देंगे और अपने जॉइंट रेसिस्टेंस के साथ एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस को और अपने स्पेसेस को इन गुंडों से रिक्लेम करेंगे और बोलेंगे कि ये कैंपस हम स्टूडेंट्स का है, ये कैंपस हमारे प्रोफेसर्स का है, यहाँ पर बातचीत होगा, यहाँ पर डायलॉग होगा, यहाँ पर डिस्कशन होगा और आपकी मारपीट का और गुंडागर्दी का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इस मैगजीन के एडिटर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आप सबको फिर से यूनिवर्सिटी में वेलकम करते हुए शुक्रिया, इंकलाब जिंदा।